उत्तर भारत के कई राज्य में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे की मार सो अलग, कई जगह जीरो विजिबिलिटी पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में अगले दो दिनों तक कोल्ड डे से गंभीर कोल्ड डे के हालात बनने वाले हैं। इसी के साथ मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में अगले दो दिनों तक घने कोहरे छाए रहने की बात कही है। आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में बारिश भी देखने को मिलेगी। दो दिनों तक पूरे उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रात और सुबह के दौरान घने से बहुत घना कोहरा छाए रहेगा और बारिश भी हो सकती है। आइए जानते हैं देश भर में कैसा मौसम रहने वाला है। सबसे पहले बात करें राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। इसी के साथ दिल्ली में आज कोल्ड डे की स्थिति भी रहेगी और कल यानी 7 जनवरी को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम 16 डिग्री रहने का अनुमान है। दिल्ली में घना कोहरा देखने को मिलेगा। दिल्ली वाले इन दिनों धूप देखने को तरस गए हैं और यही हाल इसी के आसपास के इलाकों का भी है। बादलों के नीचे आने से सूरज छिप गया है और दिन में कड़ाके की सर्दी हो रही है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में अभी सर्दी का सितम और बढ़ने वाला है। तो वहीं अगले दो दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में सुबह के समय घने से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। उत्तर पश्चिम भारत में एक बार फिर से बारिश का दौर चलने वाला है। 8 से 10 जनवरी तक यानी 3 दिनों तक बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं तमिलनाडु और केरल में भी अगले 3 से 4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश। राजस्थान के कई इलाकों में शीतलहर चलने की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी सर्दी और ज्यादा बढ़ेगी। दिल्ली समेत राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब में आज कोल्ड वेव की संभावना है। IMD के मुताबिक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के अलग अलग हिस्सों में 6 जनवरी को यानी आज भीषण ठंडा दिन रहने वाला है और इसी के साथ यूपी, बिहार के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाएगा और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही हिमाचल, उड़ीसा, बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के अलग अलग हिस्सों में 7 जनवरी तक घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।